ये क्या कर दिया लड़की? ये मेरा और मेरी बहन का मामला है, आप होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? रिश्ते में कोई नहीं, मगर एहसास करो तो तुम्हारी माँ की जगह हूँ। अरे तुम्हारा दूर नजदीक का कोई और रिश्तेदार है तो बताओ। आपका इस बात से ना कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, जब तुम्हारे माँ बाप इस मोहल्ले में शादी होके आए थे तब से हमारा ताल्लुक है। अरे अपनों से बढ़ के हमने दुख सुख में उनसे नाता रखा। मुझे सब कुछ मालूम है खाला। जानती हो तो बेटा इतना भी जानती होगी कि जवान लड़कियों के सर पे किसी का हाथ होना जरूरी है, ताकि जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती उनकी देखभाल कर सके। वरना आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि मैं बहुत जल्द अपने कॉलेज फेलो से शादी करने वाली हूँ, आइएगा जरूर। क्या जी? मुझे इस बारे में मजीद और कोई बात नहीं करनी आपसे, बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये घर बेच रही हूँ और आप इस गूंगी से कहें कि अपने लिए किसी और जगह का बंदोबस्त कर ले, और रही बात इसके हिस्से की, इसके हिस्से के पैसे से मिल जाएंगे। आहिला आप बड़ी हमदर्द बनती है ना इसकी, और आपको तो बड़ा बनने का शौक है वैसे भी, तो आप इसके लिए कोई ठिकाने का बंदोबस्त क्यों नहीं कर देती? हिस्से के पैसे तो उसे मिल रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी बातें सुन के, तुम्हारी माँ तो तुम दोनों बहनों को जोड़ के रखना चाहती थी। जिस बहन ने मुझे मेरी माँ से जुड़ने नहीं दिया, मैं अब उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। आप कह दें इसको, इसके पास एक हफ्ते का वक्त है, उसके बाद कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। एक हफ्ता? हाँ, मैंने वकील से बात कर ली है, सारे कागजात बना दिए उसने, अब सिर्फ जज के सामने पेश होना है और रजामंदी जाहिर करनी है। इतनी जल्दबाजी? देखें खाला, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जो आप इसके आगे पीछे घूम रही है ना, तो फिर जल्दी से इसके लिए किसी ठिकाने का बंदोबस्त करें। पर ना मेरा क्या है, मैंने घर बेच के इसके हाथ में पैसे थमा देने, फिर ये चाहे किसी शेल्टर होम में जाए या फिर अपने लिए छोटा मोटा घर खरीदे मेरी बला से। खुदा की पनाह। ज्यादा दर्द दिल हो रहा है ना आपको, तो बहू बना के ले जाए इसे। जरूर करूंगी ऐसा, और बहुत शान और शौकत के साथ। अच्छा वाकई? मैंने तो सोचा था कि सलमा बहन से रिश्ता मांगूंगी इसका, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं। अब तो आप 100 दफा रिश्ता करेंगी, पैसे जो मिल रहे हैं इसको हिस्से के। अगर मोमना का हक नहीं होता ना, तो मोमना से कहती कि इस पैसों को हाथ भी ना लगाए। खैर अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, एक बार मोमना से इसकी मर्जी मालूम कर लूं फिर इसे साथ ले जाऊंगी। मोमिना की मर्जी? खाला वैसे मुझे तो आप पे हैरत हो रही है, आप अपने अच्छे वाले बेटे को मोमिना के गले बांधना चाह रही हैं। गले में नहीं डाल रही, अगर मोमिना की मर्जी हुई तो अपने बेटे के सर का ताज बना के लेके जाऊंगी। लेकिन आयला तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये मासूम तो तुम जैसे सुनने बोलने वालों से 1000 गुना बेहतर है। क्या फायदा उस जबान का जिससे हर वक्त कड़वाहटी टपकती हो, और क्या फायदा इन कानों का जिनसे सुन के दिल पर लगी बोहरे भी ना खुले। बस खाला बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, आप जाएं और इसको भी साथ लेके जाएं, आपकी बेहतरी सी में। बस बेटा अभी तुम्हारी इतनी जुर्रत नहीं हुई, और ना ही मैं सलमा हूं, ज्यादा बदतमीजी की ना तो मोहल्ले के लोगों को बुला लूंगी, और मोमना से भी कह दूंगी कि मना कर दे कि वो घर नहीं बेचना चाहती, फिर क्या कर लोगी इसकी मर्जी के बगैर। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसे तरीके से हो जाने दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। साबरा खाला इससे कह साइन कर दे। मोमना बेटा साइन कर दो। साबरा खाला इससे कह मेरा टाइम बर्बाद ना करे और साइन करे। तुम इंसान हो या पत्थर? वो क्या कह रही है तुम्हें? सिर्फ यही कि घर को बेचो मत, बेशक अपने नाम लिखवा लो। मैं इस घर को सेल करना चाहती हूँ और यहाँ से जाना चाहती हूँ, ताकि इससे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दूँ। देखो अगले हफ्ते मेरा और मोमना का निकाह होने वाला है, उसके बाद ये हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले बहनोई की हैसियत से कह रहा हूँ, जिद और जज्बात में फैसला मत करो। जरूरत क्या है,
बेचारी मोमना। बेचारी? आप इसको बेचारी कह रहे हैं? जब अम्मा अब्बा जिंदा थे ना, उनकी सारी तवज्जा इसने अपनी तरफ खींच रखी थी। मेरे और इनके दरमियान एक दीवार की तरह हायल थी, इसलिए अब मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, समझी? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो, तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रही हो? जब मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती, तो तुम मुझसे क्यों जुड़ी देना चाहती हो? तुम्हें खुदा का वास्ता है, साइन कर दो इस पे और मेरी जान छोड़ो। Thank you. मैं शायद अभी ठीक से तुम्हें समझा ना पाऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो।